Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मेरी चिंता सत्य तो नहीं हो रही, कहीं इनकी स्पर्धा बढ़ती तो नहीं जा रही। माता, भ्राता भाभी माओं के हाथ से जल का कलश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि वो एक के हाथ का भी कलश लेकर जलपान कर लेगा तो दूसरी पत्नी निराश हो जाएगी और उसे ये लगेगा कार्तिकेय का प्रेम उसके प्रति कम है। ओ, समझा माता, ये बात है। अर्थात भ्राता के सामने तो बड़ी दुविधा है, एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई। ये कहां उलझ गए देव सेनापति? भयंकर भयंकर असुरों से युद्ध करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, किंतु यहां तो समस्या ही बड़ी जटिल है। देव सेनापति, यहां अस्त्र शस्त्र नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा आपको, जिसमें मैं ही सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भूल हुई तो जो युद्ध होगा उसमें आप विजयी नहीं हो सकते। लीजिए ना स्वामी। माता, देखिए ना कैसा अन्याय हो रहा है यहाँ। दो कलश जल की आवश्यकता मुझे होती है और वो मिल किसे रहा है? भ्राता को। मुझे क्या चाहिए उसका विचार तो कोई भी नहीं करता। नहीं, देवर जी। हाँ देवर जी, आप जल ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद भाभी माँ, आप दोनों ने मेरा भी ध्यान रखा, किंतु एक कलश जल तो मैं पी चुका हूँ, तो मैं दोनों कलशों का क्या करूँगा? एक आप ले लीजिए भ्राता। धन्यवाद गणेश, मुझे इस गंभीर समस्या से निकालने के लिए। धन्यवाद अनुज गणेश। अभी तो पुत्र गणेश ने स्थिति संभाल ली, किंतु पुत्र कार्तिकेय के स्नेह को पाने के लिए इन दोनों की ये होड़, ये स्पर्धा उचित नहीं। इससे तो परिवार में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, और जब मन में दुराव आ जाए तो फिर परिवार भी कहाँ प्रसन्न रह पाता है। इसके पूर्व की ये स्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए, जिसका प्रभाव परिवार पर ही पड़ने लगे। मुझे इन दोनों को समझाना होगा, नहीं तो परिवार की शांति भंग हो जाएगी। उचित अवसर देखकर कहना होगा। दूसरों के सामने किसी की त्रुटि बताने से भूल करने वाले को अपमान का बोध होता है, इसलिए मुझे बड़ी समझ बूझ से इन दोनों को समझाना होगा, वो भी तब जब दोनों एक साथ अपने कक्ष में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुरझाते पौधे के समान कैलाश की शांति और कैलाश की समरसता कहीं मुरझा न जाए। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, कदाचित मुझे स्वामी से इसकी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी तो सदा के समान अपने ध्यान में ही है। यहाँ समस्या बढ़ती जा रही है और मैं किसी से अपनी चिंता बांट भी नहीं सकती। स्वामी के लिए तो उनका ध्यान ही सब कुछ है, और घर परिवार, किंतु उनकी दृष्टि से छिपा थोड़ी ही होगा कि कार्तिकेय का तो स्वाद ही बदल गया। अपनी माँ की खीर के आगे अपनी पत्नियों के हाथों का शीरा पूरी भाने लगा है, किंतु प्रभु ने इसे लेकर
मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, बस भोजन किया और अपने ध्यान में रम गए, जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी पत्नी के मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। मेरे भोलेनाथ तो अपने पुत्र वधुओं के बीच की स्पर्धा भी कैसे देख पाएंगे। भाभी माओं के मध्य जो हो रहा है वो ऐसी गुत्थी बनकर उलझ गई है जिसे सुलझाने का उपाय तो मुझे भी नहीं सूझ रहा है। क्या हुआ पुत्र गणेश, ऐसा क्या हो रहा है उन दोनों के बीच? स्पर्धा माँ, और कोई साधारण स्पर्धा नहीं, अति असाधारण, अति गंभीर स्पर्धा। मुझे लगा था बड़ी साधारण सी बात है, साधारण स्पर्धा है, किंतु अब तो लग रहा है ये तो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। अपने पति का ध्यान रखना, उस पर अपना अधिकार समझना उचित है, किंतु उसके लिए स्पर्धा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अज्ञानता है। हाँ, वो दोनों बालकों के समान स्पर्धा में जुट जाती हैं, और माता ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती हैं। मुझे तो भय है कहीं उनके इस आचरण के कारण माता किसी दिन क्रोध में ना आ जाएं। अज्ञानतावश जो हो रहा है वो उनमें दूरियां बढ़ाएगा, और जब आपस में दूरियां बढ़ जाएं तो उस परिवार के शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। द्वेष को बोने से तो द्वेष का ही फल फलित होगा ना, किंतु मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आपको समस्या बता रही हूँ और उसे सुलझाने के उपाय के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे इतनी गंभीर समस्या साझा कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि ये वास्तव में इतनी गंभीर बात है नहीं, ये तो प्रत्येक गृहस्थी की बात है। प्रत्येक माँ को लगता है कि पत्नी के आने के बाद उसका पुत्र बदल गया है। हर सास को लगता है कि पुत्र वधुओं की आपस में ही होड़ लगी हुई है। वो आपस में ही नहीं, सास के साथ भी स्पर्धा में है। नहीं प्रभु, बात साधारण नहीं, गंभीर है। इतनी ईर्ष्या साधारण नहीं। मुझे तो शंका है, यदि मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया तो उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। मेरी चिंता का तो कोई समाधान ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। समाधान है, स्पष्ट है, और आपकी आंखों के सामने है। जब एक पौधा नकारात्मकता के कारण सूखे तो उससे पहले ही उसे सकारात्मकता की शक्ति से सींच दीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।